हो गई, पुलिस से एक कार गिर गई, सभी छह लोग समाप्त हो गए, उसमें तीन मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी थे। बड़ा बहुत ही दर्दनाक हादसा है पूरी तरीके से। मैं खुद इतना दुखी हूँ कि कह नहीं सकता छह लोग क्या गुजरी होगी उनके परिवारों के ऊपर। लेकिन यहाँ जब मैं आया पता चला कि ट्रोमा सेंटर की बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पोस्टों की नहीं है। तो मैंने मंत्री जी रघु शर्मा जी के पीएस से बात की है और अखिल अरोड़ा जो प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा वित्त के भी प्रमुख शासन सचिव हैं, उनसे बात की और हम लोग महादेव सिंह जी ने पहले भी खंडेला साहब ने लिख के दे रखा है, तो हम प्रयास करेंगे कि महीने भर में ये पोस्टें भी स्वीकृत हो जाएं, जिससे जो कैजुअल्टी होती है उनको राहत मिले और घायलों को तुरंत इलाज मिले। तो इसके लिए ट्रॉमा सेंटर जल्दी इसका विधिवत चालू हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन ऐसे हादसे जो होते हैं वो बहुत ही दर्दनाक होते हैं, पूरे परिवार के परिवार में बड़ी पीड़ा देके जाते हैं। अभी बताया गया है कि एक जगह पुलिया भी सकड़ा है, उसके लिए भी हम लोग जो संबंधित NHAI के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम हादसे हों, कम से कम जिस तरीके से सरकार के प्रयासों से जो कैजुअल्टी रोकी जा सकती है उसके लिए हम लोग भरसक प्रयास करें।